गाइज, अगर आप सभी फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते थे रिचार्ज करने के लिए या बिल पेमेंट करने के लिए या मनी ट्रांसफर करने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड से लोड मनी करते थे मनी ट्रांसफर करने के लिए, क्रेडिट कार्ड को बैंक अकाउंट करने के लिए, तभी आप सबके ऊपर भारी पड़ने वाला है। गाइज, अगर आप सभी क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करेंगे पर्सनली, अगर आप जैसे कि फोन पे एप्लीकेशन में गए, वॉलेट में जाएंगे और क्रेडिट कार्ड से लोड मनी करेंगे ना, तभी आप सबको बहुत बड़ा चूना लगने वाला है। अगर हम यहीं पे बात करें तो इसमें बहुत सारा ट्रिक ये यूज हो रहा था कि हम लोग क्या करते थे, फोन पे एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड से लोड मनी करते थे और फिर फोन पे एप्लीकेशन से जो भी बैलेंस होता था उसको हम लोग स्कैन एंड पे करके फोन पे के मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो वो जो बैलेंस है हम लोग को फ्री में हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता था। लेकिन गाइस, अगर आप अब भी ये ट्रिक यूज करेंगे तो आप सब बहुत बड़ा मुसीबत में फंस सकते हैं। मुसीबत यानी तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये ऐसे हो गया है क्योंकि चार्ज तो बहुत सारा इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि इससे पहले जो था फोन पे एप्लीकेशन में एड मनी करना फ्री था अनलिमिटेड, लेकिन अगर आप अभी 100 रूपया भी एड करेंगे तो अभी आप सबको टोटल जो चार्ज अभी देना पड़ेगा 2.07 रूपया। यानी अगर हम यहीं पे दूसरे एप्लीकेशन को अभी फोन पे को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में भी फोन पे एप्लीकेशन बहुत हार्ड हो गया है, बहुत हाई लेवल पे चला गया है चार्ज के मामला में। अगर आप यहीं पे पेटीएम एप्लीकेशन के ले लूं, पेटीएम एप्लीकेशन से रेंट पेमेंट करते हैं तो रेंट पेमेंट में होता क्या है, सिर्फ 1.5% चार्ज लेता है और 1.5% हिसाब से हम लोग का क्रेडिट कार्ड का मनी अनलिमिटेड ट्रांसफर करके दे देता है। बट गाइस, अगर हम फोन पे एप्लीकेशन में 10,000 रूपया भी ट्रांसफर करने के सोचेंगे तो टोटल हम सबको 270 रूपया चार्ज देना पड़ेगा, और साथ में अगर हम पेटीएम से रेट पेमेंट करेंगे तो हम सबको सिर्फ 150 रूपया चार्ज देना पड़ेगा। तभी आप सबको डिपेंड करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं। अगर आप मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज करना चाहते हैं फोन पे एप्लीकेशन को, तो आप यूज कीजिएगा, लेकिन भूल से भी अभी अपना फोन पे एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड से लोड मनी मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप फ्री में अगर आप एड मनी करना चाहते हैं फोन पे एप्लीकेशन में तो आप से कर सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन भी दिया गया है फ्री में, पहला दिया गया यूपीआई और दूसरा दिया गया है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में कोई कोई वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो वर्चुअल डेबिट कार्ड का पेमेंट अगर आप एड मनी करेंगे तो फ्री में हो सकता है, बट अभी मैं ये 100% नहीं बोल सकता हूँ कि हो ही सकता है, क्योंकि अभी जो मैं ट्रायल किया था, ट्रायल करने में हमको आया कि 2 रूपया पैसा जो अभी चार्ज लग रहा है एड मनी करने का। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये हमको एक कमेंट आया था कि सर अभी देखिए कि फोन पे एप्लीकेशन में बहुत सारा चार्ज लगने लगा है, तो मैं जाके देखा तो मैं देखा कि सच में चार्ज लग रहा है। मैं बोला चलो ठीक है, मैं आप सबके लिए वीडियो बना देता हूँ, आप सबको उससे नॉलेज भी मिल जाएगा और साथ में जब आप मनी ट्रांसफर करने के सोचेंगे आगे तो उससे भी आप सब बच सकते हैं। क्या जब भूल से भी अभी फोन पे एप्लीकेशन में जाके क्रेडिट कार्ड से लोड मनी मत कीजिए, नहीं तो आप सबको बहुत सारा नुकसान सहना पड़ेगा। गाइस, यही छोटी सा अपडेट था फोन पे की तरफ से, मैं सोचा कि आप सबको ये अपडेट दे देना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सबकी वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।